हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम रैंक्ड सोलो मैच करने वाले हैं। हम हैं डायमंड 4 पर, हमें जाना है हीरोइक। हमें एक भैया की ज़रूरत है, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 1 मिनट के बाद हमारा गेम स्टार्ट हुआ है, और लॉबी में आकर तो हम ये बंडल जरूर पहनेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं कि हम गैरिना के सारे बंडल अफोर्ड कर सके। गैरिना ऑलमोस्ट 1 मंथ में 3-4 बंडल तो ले ही आते, और सारे बंडल हम निकालने लगे तो हम तो हो जाएंगे एकदम से कंगाल। तो बरमूडा का मैप आ चुका है, इसमें हम उतरेंगे मिल पर। पिछले बार जो मैंने एक रैंक मैच अपलोड किया था वीडियो, उस पर एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि एज अ व्यूअर उसके लिए ये इनफ नहीं है, लॉबी लो है। तो देख लेना, इसमें लॉबी लो नहीं है, और आपको मतलब कि ये थोड़ा सा सेटिस्फाइड करने की कोशिश है। और ऐसे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि वीडियोस कैसी बन रही है या कैसी बनानी चाहिए, थोड़ा आइडिया मिल जाता है। और 3 बंदे ऊपर उतर चुके हैं, हम कर लेते हैं यहाँ पर लूट, क्योंकि एक गन उठाकर ऊपर जाकर अगर मैं उन पर रश कर भी दूँ तो यार थर्ड पार्टी हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं आराम से लूट कर लूँ और वो लड़ रहे हैं और मैं उन पर जाकर थर्ड पार्टी कर दूँ। हीरोइक जाने के लिए हमें इतना तो करना पड़ेगा कि थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी हमें, और वो आपस में लड़ने लग पड़े हैं। अब सही मौके की तलाश देखकर हमें भी उन पर रश कर देना चाहिए। उससे ही मौका बस अब आ ही चुका है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। देखते हैं कितने बंदे हैं, कहीं ऐसा ना हो 4-5 बंदे लड़ रहे हो और मेरी थर्ड पार्टी हो जाए। पर नहीं, 2 बंदे हैं, एक को हेड लग गया, दूसरा भी डैमेज है, वो भी किल। अरे पीछे देखो भाई, पीछे तो देखो, उसको पता ही नहीं लगा थर्ड पार्टी सक्सेसफुल। अब भाई, ओ भाई, डबल वेक्टर भाई, ब्रह्मास्त्र ले आई भाई साहब, आधी हेल्थ खाली, इसमें तो थर्ड पार्टी हो गई। अरे 3 बंदे लड़ रहे थे भाई, भाई छोड़ दे बहन, हीरोइक ज्यादा है, छोड़ दे बहन, आधी हेल्थ खाली यार। पर वो रश नहीं कर रही यार, ब्रह्मास्त्र है फिर भी रश नहीं कर रही, उसको पता था मैं बहुत डैमेज हूँ, तो बिल्कुल सीधे सीधे जाना तो बेवकूफ़ी होगी। जान बच गई यार, जान बच गई। पर चलो अब हम, मुझे लगता है कि घूम के ही जाना चाहिए नीचे उतर के, शायद वो लूट कर रही होगी, उसके पास भी लूट नहीं होगी, वो भी थर्ड पार्टी करने आई थी मेरे जैसे। पर उसकी किस्मत थोड़ी ख़राब थी, जो उसका मुझसे पाला पड़ गया जो मैं भाग गई वहाँ से, मतलब वो जो लास्ट वाला बंदा था वो शायद उसी से बच के इस साइड बैठा था, उसे पता नहीं था कि उसकी मौत पीछे से आ गई है। कहाँ हो बहन, यहीं लूट रही हो, ये देखो आगे। अरे नहीं लगा, मुझे लगा है अब वो आगे को आएगी तो M40 से शायद मर जाए, पर वो तो रेंज से ही दूर चली गई। मार रही है, डैमेज भी लग रहा है। अब उसको लगा शायद मैं टावर के पीछे चली गई तो रश कर रही है। अब स्काइलर चाचा की जय हो, ख़त्म। मिस्टर दिवेश, एक और बंदा आ गया। ओ भाई क्या कर रहे हो यार, सांस तो ले दो, ये तो सीधे रश करने कूद गया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। बैक टू बैक बंदे आ रहे हैं, ये तो शायद वेट ही कर रहा था कब ये दोनों लड़े और ये आ जाए थर्ड पार्टी करने के लिए। अरे भाई भाई भाई, हेलमेट खा लिया पूरा, रुक जा भाई, ये तो यार ना ग्लू है ना मेडी है, कुछ भी नहीं है। लेफ्ट में आ गया भाई, ग्लू भी नहीं है अब तो, क्या करे बच्चा भाई। ओ भाई भाई मर, बड़ा रश कर रहा था। आ भाई कैसी लगी, आ गया स्वाद, हम पे रश करेगा यार। चलो लूट कर लेते हैं मिल से, और हमारी लूट हो चुकी है बिल्कुल पूरी, और मिल हो चुका है खाली। मिल पे हमने तबाही मचा दी 4 किल के साथ, तबाही तो नहीं कह सकते पर यार जितने बंदे आए थे हमने मार दिए वो। और पहला जोन भी आ चुका है हमारा, हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से, देखते हैं अब हमें बंदा कहाँ मिलता है। लूट तो मेरे पास पूरी है, ग्लू वॉल भी मैंने खरीद ली थी, बहुत ज़्यादा लूट है, कोई नहीं 4-5 बंदे आराम से निपटा सकते हैं भाई। SMG का खजाना, मतलब कि बंदा आया था यहाँ पर, ओ ड्रा आगे आगे भाग रहा है,
भाई 3 गोलियों से मर गया, हेड भी नहीं लगा, ये कोई मजाक हो रहा है? बिना हेल्थ किट रगड़े कहाँ जा रहा था भाई, हिम्मत मेले में घूम रहे हैं? हेल्थ तो ले लो पूरी यार, 3 गोलियों से मर जा रहे हैं, चलो हमारा क्या है। तो भीम चुकी हो चुका था, बिल्कुल भी खाली कोई नहीं था वहां पर, हमारी लूट भी पूरी हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे क्लॉक टावर, जोन के साथ चलना बहुत ज़रूरी, नहीं तो बाद में हम मतलब कि सेफ जोन में आने नहीं देते बंदे। टावर पे बंदा है, हाँ है, लेफ्ट वाले टावर पर। अरे टावर वाले से लड़ना ना बेकार लगता है मुझे, ऐसा ना वो पीछे 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 बंदा आ गया। स्कोप क्यों खुल रहा है भाई, टावर वालों से लड़ना मुझे बेकार वाहियात लगता है, गोलियां वेस्ट, टाइम वेस्ट। 92 का हेड लग गया है उसको, और ऊपर से डैमेज भी पड़ रही है उसको जोन की, रश करना तो बनता है। चल भाई तुझे ले चले हम तारों के शहर पे, तुम्हारा रैंक तो माइनस होने वाला है अब, क्योंकि हमें चाहिए भैया, हमको ये मैच कैसे भी जीतना है। मर जा भाई मर जाना, डैड वो बॉय, पता नहीं यार कैसे कैसे नाम रखते हैं। और इस वाले टावर पे भी बंदा है, ये देखो बंदा है यहाँ पर भी, इस पर भी टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जोन देखते हैं, जोन कहाँ बन रहा है हमारा लास्ट जोन, अरे बिल्कुल खुले मेरे नाम साइड, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता। चलते हम जोन की तरफ, फैक्ट्री में शायद कोई बंदा मिल जाए हमें। हाँ दिख गया, एक है, एक एनिमी तो हमें दिख गया फैक्ट्री में। ये देखो आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये रही। भाई भाई यार सारे डैमेज दे रहे, ग्लू भी नहीं लग रही है। मेडी 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 मेडी, ये कैरेक्टर स्किल्स का ये फ़ायदा भाई, रश रश। ओ भाई क्या हमें नुबड़ा समझे हो, सीधा सोचे समझे रश कर दे रहे हो यार, तुम्हें भी आ गया स्वाद। लूट तो देखो भाई इस लड़की के पास ग्लू बॉल का भंडार है। जोन आ गया, मुझे निकलना पड़ेगा, पर ग्लू ले लेती हूँ क्योंकि एकदम लास्ट वाली फाइट खुले में होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा ग्लू की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये जोन तो बहुत ज़्यादा काट रहा है यार। गाड़ी ले चलते हैं, मेडिकेट ले लेते हैं, और अब लास्ट जोन में देखते हैं। 8 बंदे बचे हैं, 7 किल हो चुके हैं। यहाँ पर बंदा है इस घर पर, शायद बंदे फाइट ले रहे हैं, देखते हैं। हमें यहाँ से भी किल उठाने ही पड़ेंगे। इट्स आर्या, इस बंदे का नाम मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ अभी तक। ये रहा बंदा, कहीं और ही देख रहा है ये भाई, पीछे 121 का हेड, 121 का हेड पड़ा, पर किल मुझे हेडशॉट से नहीं मिला, दूसरा कहाँ है। तो गाइज हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लास्ट जोन है, जोन में पहले एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर जोन में घुसने नहीं देते। ऐसा नहीं कि जोन के बीचों बीच जाकर बैठना चाहिए, फिर थोड़ा साइड से पड़ गई मुझे। ये लोग भाई बीच में हैं, पीछे से नहीं आ रहा, शायद उस घर पे बंदा था, नहीं था। 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं उस साइड, मार दिया। अब बचे हैं 3, और मुझे लगता है तीनों यहीं पर है। ये रहा एक, नहीं हल्का सा डैमेज, क्रोनो चचा का खौफ। रैंक में मैक्सिमम मैंने देखा बंदे क्रोनो लेकर आ जाते हैं, पर मुझे तो अब क्रोनो का उतना फ़ायदा नज़र आता नहीं है, इससे तो स्काइलर ठीक है। ये रहा, ये 2 बंदे लड़ रहे हैं आपस में, 1 किल मिल जाता तो बहुत बढ़िया था। कहाँ है भाई साहब, लड़ रहे हैं वो आपस में, बेचारा ये बंदा बीच में फंस गया। दोनों साइड से पड़ रही है, एक उधर से भी मार रहा है, एक मैं भी मार रही हूँ उसको, पर इट्स आर्या फिर मार दिया इट्स आर्या ने भाई, इट्स आर्या की तो खोपड़ी तोड़नी पड़ेगी। इट्स आर्या, ओह गया इट्स आर्या। गया इट्स आर्या, अब बचा है सिर्फ एक ही, और जोन आ रहा है। हमें कैसे भी गाइस ये बुया लेना है, पर इस साइड में इस टाइम शायद मैं 9 किल करके ओवर एक्साइटेड हो चुकी थी, मुझे बंदा दिख रहा था, पर भाई उस बंदे ने बिल्कुल मूवमेंट नहीं किए, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि मैंने नेड करा साले को बम से उड़ा दूंगा एक, फिर एक और नेड, नहीं मरा, डैमेज ही नहीं लगा उसको, बिल्कुल भी डैमेज नहीं लगा। और हमें बुया निकालनी है 9 किल के साथ, 18 बंदे हमें देख रहे हैं, बिल्कुल भी नेड का डैमेज नहीं पड़ रहा उसको। कहाँ है भाई, थोड़ा सा तो हिल, कुछ तो रिएक्ट कर, आया आया आ गया आया,
शायद मुझे लग रहा है ना ये सर्वाइवर है, मतलब इतनी पेशेंस उन्हीं में हो सकती है। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं दिख रही फिलहाल इस टाइम। मुझे लग रहा था कि मैं मार दूंगी। गाइस देखते हैं भुया निकलता है कि नहीं। स्प्रे कर लेते हैं। कहाँ है भाई, कहाँ है, आजा। ये देखो इस टाइम यार फोन रोटेट हो गया, पता नहीं कैसे। स्काइलर चला देती मैं, वो पता नहीं कहीं और ही चल पड़ा और मैं जोन से बाहर और कहानी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भैया हमारे हाथ से निकल चुका है, फिर भी हमारे प्लस तो हो गए हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें ऐसे बिना सोचे समझे रश नहीं करना चाहिए, सामने वाले प्लेयर को कम नहीं समझना चाहिए। 49 प्लस के साथ हम हीरोइक पहुंच चुके हैं। तो आई होप आप लोग अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।